सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए अमोल कासर्स कॉमर्स एकेडमी को और करें अपने 11th 12th CACSCMA का सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ। हेलो नमस्कार दोस्तों, एके से एग्जाम टॉक्स में मैं आपका स्वागत करता हूँ। 12th February, यस, अब और एक दिन हम नजदीक आ चुके हैं एग्जाम के, और ये एग्जाम टॉक मैं इसलिए मैं बना रहा हूँ ताकि आप लोगों से कुछ मैं बातें कर पाऊँ और आपको बता पाऊँ कि आप अपने आप को बहुत ज्यादा काम रखिए, प्रोसेस पे ध्यान दीजिए और बहुत अच्छा ही होगा। आज दो लेक्चर मैंने पोस्ट किए एसपी से रिलेटेड, और आप देखोगे कि वो सब्जेक्ट जो कॉम्प्लिकेटेड लग रहा था, हार्डली 1.5 घंटे के अंदर दो बड़े बड़े चैप्टर, मतलब सेकेंड चैप्टर और फोर्थ चैप्टर का रिविजन कम्प्लीट हो गया। नया चैनल पे है, मैं वही समझाने की कोशिश कर रहा हूँ आप लोगों। आपको OCM का टेंशन आ रहा है, आपको इकोनॉमिक्स का टेंशन आ रहा होगा, अकाउंट्स में डर लग रहा होगा, राइट? एसपी की बात याद आती है जब हम लैंग्वेज पढ़ने बैठते हैं, इंग्लिश और मराठी हिंदी जो भी होगा। दोस्तों, अगर 1.5 से 2 घंटे में अगर मैं दो चैप्टर करवा सकता हो तो सोचिए, अगर हमारे पास OCM के लिए बहुत ज्यादा वक्त है, एसपी के लिए टाइम है, ऐसा तो नहीं होने वाला कि कोई भी स्टूडेंट फेल हो जाएगा, मार्क माय वर्ड। क्योंकि आप लोगों को आपके कॉलेज ने 20 में से 15 से ऊपर ही मार्क्स दिए हैं मिनिमम, कुछ बच्चों को तो 20 में से 20 भी दिए होंगे, और मैक्सिमम बच्चों को अच्छे मार्क्स हैं, उसका टेंशन नहीं है। एक टाइम था जब ये डर लग रहा था कॉलेज वाले हॉल टिकट देंगे कि नहीं देंगे, अब तो वो भी आ गया है, तो वो भी टेंशन नहीं था क्योंकि अटेंडेंस का जो इशू होता था करके। अब किस चीज का डर लग रहा है, सर इंग्लिश कैसे पढ़े? अब दोस्तों, एक चीज मैं आपको बता दूं कि इंग्लिश के अपने टेलीग्राम चैनल में मैं 2 से 3 क्वेश्चन पेपर प्रीलिम्स शेयर कर रहा हूं, अपने टेलीग्राम चैनल पे आप जाइए, ज्वाइन कीजिए। क्योंकि इंग्लिश ये सब्जेक्ट ऐसा है कि बचपन से हमको जिस एनवायरमेंट में हम है ना, हम इंग्लिश कभी पढ़ते ही नहीं थे, है कि नहीं? और इंग्लिश का तो ऐसे होता था, पैसेजेस तो आते ही सर क्या ही पढ़ना है, ये सिंपल सा एक हमारा थिंकिंग है। और अब जब पढ़ने की बात हो रही है तो पढ़े क्या, ये सबसे बड़ा सवाल है। बच्चे कह रहे सर आप एनालिसिस दो ना, जैसे आपने मतलब 15,000 से ज्यादा बच्चों ने OCM का एनालिसिस देखा अपना, तो एक्सपेक्टेशन आपके बिल्कुल सही है, मैं ट्राई कर रहा हूँ, जैसे वक्त मिले आपको बताओ। बट दोस्तों, आप एटलीस्ट, मैं तो कहता हूँ कि पेपर सॉल्विंग से शुरुआत कीजिए, आप देखें कि किस प्रकार कौन से क्वेश्चन और को आ रहे हैं, और अगर ग्रामर है तो कौन से सवाल यूजुअली ज्यादा करके ग्रामर में पूछे जा रहे हैं, और बेसिक सवाल होते हैं, बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं होते। आपने ग्रामर के क्लास नहीं लगाए, टेंशन मत लो, जो वहां पे बेसिक एड क्वेश्चन टैग हो या फिर नॉट ओनली बट ऑल्सो, जो भी आपके ग्रामर रहेंगे उस, वो बहुत ही सिंपल होता है, अपने दोस्त से समझ लो करके, बार बार अगर वही रिपीट हो रहे हैं तो। और पैसेजेस, सीन अनसीन क्या है, आपको स्ट्रक्चर समझना पड़ेगा जब आप क्वेश्चन पेपर्स को डील करोगे। तो इसीलिए मेरा ये आपसे रिक्वेस्ट है कि टेलीग्राम पे जो भी मैं क्वेश्चन पेपर उसके आंसर शीट भी पोस्ट करूंगा, वो देखिए और उसके हिसाब से पढ़ाई शुरू कीजिए। ओके, हिंदी और मराठी जो भी है आप लोग डेफिनेटली ज्यादा वक्त दीजिए, और बाकी सारे चारों सब्जेक्ट के बारे में सोचना बंद कीजिए। हाँ, मैं जब रिवीजन लेक्चर डाल रहा हूँ, आप फ्री हो, जब आपको लगता है कि हाँ सर ये पढ़ लिया, थोड़ा बहुत देखना है तो देख लीजिए, उतना चलेगा। बट दोस्तों, कोई भी टेंशन मत लो, ट्रस्ट मी, बहुत अच्छा होगा सब कुछ, बहुत अच्छा हम कर रहे हैं, और आप जस्ट ओवर थिंकिंग करके स्ट्रेस में आके अपने आप को बीमार करके कुछ ही नहीं होने वाला, पेपर सबके बेस्ट जाएंगे। क्योंकि सर ये इतिहास है कि जब एग्जाम नजदीक आती, बोर्ड एग्जाम, और आपके जो फर्स्ट बोर्ड एग्जाम है ना, फर्स्ट मतलब देना जो एक्चुअल आप पढ़ के बहुत शिद्दत से दोगे, कोविड की वजह से 10th का तो हुआ नहीं, तो आपको वो इमोशन से गुजरना तो पड़ेगा सर। बट डरो मत, जो डर गया वो घर गया, उसका कोई मतलब, उसका कोई तो मतलब लड़ेगा ही नहीं तो क्या बात है। मैं आपको कह रहा हूं, मेरी बातों पे ध्यान रखो, मुझ पे भरोसा रखो, पेपर अच्छा जाता है, एग्जाम में याद आता है। आपको जो सर लग रहा होगा कि सर इतना सब कुछ कर रहे हैं, क्या होगा, जो नर्वस सिस्टम हो रहा होगा, जो ऐसे ना ऐसे अभी वो क्या कहूँ मैं, मतलब डर, फियर, बहुत सारे अलग अलग फीलिंग आप में आ रही होगी, जितना शांत रह सकते रहो, रिलैक्स रहो, कोई बड़ी एग्जाम नहीं है सर, हम पढ़ेंगे, पेपर को जाएंगे, सब सेटल्ड है, सब एकदम ओके है, सब पता है कि क्या कैसे आने वाला है, तो दिक्कत नहीं है। और बाकी मैं तो आपके साथ हुई, तो टेंशन मत लो, आराम से पढ़ो और अपने हेल्थ पे ध्यान दो, अपने घर वालों को नजरों के सामने रखो, क्योंकि मैं हमेशा कहता हूँ आप हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो, आपके रिजल्ट से ज्यादा, तो अपना ख्याल रखो, क्योंकि सारी और भी बातें। चलो, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।